प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस मैग्निफिसेंट नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज वीडियो नंबर 66 में मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले कि मैं आपको आज के वर्ड को मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है खुदा ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है और गुनाह करके हम परमेश्वर से दूर हुए हैं। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है, वो जानता है कि इंसान अपने उद्धार की कीमत नहीं चुका सकता क्योंकि उसके पाप बड़े भारी हैं, और इसी कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। वह हमारे लिए मरा, उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठाए और मुर्दों में से वो जिंदा हुआ, और उसके बाद वो 40 दिन हमारे बीच में रहा और उसके बाद वो उठा लिया गया। और बाइबल बताती है बहुत जल्द वह अपने लोगों को लेने के लिए वापस आएगा। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम इन अंतिम दिनों में जी रहे हैं। ये कलीसिया के लिए लास्ट डेज हैं। बहुत जल्द हम घर जाएंगे, हम खुदा से मिलेंगे, और इन वीडियोस को आपके साथ शेयर करने के पीछे एक मकसद ये है कि हम आपको और मैं अपने आप को और आपको थोड़ी सी तैयारी में मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में परमेश्वर ने रखा है हमें, और हम मसीह की देह हैं, और इन वीडियोस को अपलोड करने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप और मैं प्रभु के आने के लिए तैयार हो सकें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं एक बार फिर से आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, और शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हमने इस चैनल पे 65 वीडियोस हमने शेयर किए हैं जो सब बेसिक टीचिंग्स के ऊपर हैं। हमें प्रेयर कैसे करनी चाहिए, हमें बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, हम प्रभु बोझ कैसे ले सकते हैं, हम किस चर्च में जाएं, किस लीडर को फॉलो करें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्होंने स्टार्टिंग से मसीह के अंदर जो मेरे सवाल थे, खुदा से जो मैंने सीखे, उसके प्रभु के दासों से जो मैंने सीखा, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आज एक बार फिर से मैं आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा। आज मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं, चिंता करते करते एक्सट्रीम में चले जाते हैं और एक डिप्रेस लाइफ जीते हैं। मैं ये बातें आपको इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल आपकी ही तरह था, और ऐसा नहीं है कि मैं आज बिल्कुल चिंता नहीं करता, लेकिन यस, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अब बहुत कम चिंता करता हूँ। और जब भी मेरे अंदर वरीस आती हैं और मैं वरीड होना स्टार्ट हो जाता हूँ, तब अचानक मुझे पवित्र आत्मा ने कुछ सिखाया है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, जो आपको भी काम आ सकता है डिस्करेजमेंट, नेगेटिव थिंग्स और परेशानियों से बचने के लिए। एक कलाम, एक वचन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये 3 भाषाओं में आपके सामने है। ये मत्ती के सुसमाचार में है और यहाँ लिखा है 6:34 लास्ट वर्ड में, कल की चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। बाइबल हमें प्रॉमिस नहीं करती कि अगर आप यीशु को अपना प्रभु जान के, अपना खुदावन जान के स्वीकार करेंगे तो आप कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। जी बिल्कुल नहीं, बाइबल आपसे ये प्रॉमिस नहीं करती कि यीशु पर विश्वास करने का मतलब आपके ऊपर कभी तकलीफ नहीं आएगी। ये वादे आजकल का जो झूठे, जो एक झूठा प्रचार है आजकल, जो बहुत सारे झूठे लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपके ऊपर कभी तकलीफ नहीं आएगी, यीशु को स्वीकार करने का मतलब आराम को स्वीकार करना है, आप सब बातों से छूट गए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस फॉल्स गॉस्पल की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। यही रीज़न था बहुत सारे लोगों ने कोविड में खुदा को छोड़ दिया, क्योंकि जब उन्हें ये पता ही नहीं था कि कोविड विश्वासियों को भी मार सकती है, और अचानक उनके घर में डेथ हुई और उन्होंने खुदा को छोड़ दिया। अगर हमने अपने लोगों को ये सिखाया होता कि
कि मसीह लोगों के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो बच जाते। इसलिए बाइबल साफ कहती है, मेरा ज्ञान न होने के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स थे और उनको ये विश्वास था कि मसीह लोगों के ऊपर कभी तकलीफ नहीं आती है, और सडनली जब उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई तो उनके अंदर सवाल आ गए कि मैं यीशु में हूँ, फिर मेरे घर पे कोविड कैसे आया, और उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते प्रभु को छोड़ दिया। डेविल ने उन्हें कन्विंस कर दिया कि कोई खुदा नहीं है, ये सारी काल्पनिक बातें हैं। लेकिन अगर हमने उन्हें बताया होता कि प्रभु में आने के बाद भी संकट आते हैं, तकलीफें आती हैं, फर्क इतना है पहले कोई छुड़ाने वाला नहीं था लेकिन अब हमारा छुड़ाने वाला हमारे साथ है। यीशु अपने कलाम में कहते हैं आज के लिए आज का दुख बहुत है, वो कहता है दुख आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, कभी कभी डेविल भेजेगा, कभी हमारी मूर्खताएं भी प्रॉब्लम्स लेके आएंगी। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बहुत बार हमारे जिंदगियों में तकलीफें आती हैं और हम उन बातों को लेके थोड़ी थोड़ी बातों को लेके हम बहुत चिंता करने लग जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपका बच्चा स्कूल पढ़ता है, सुबह 7 बजे वो घर से निकलता है, 1 o'clock वो वापस आ जाता है। एक दिन आप देख रहे हो कि 1 बज गया और आप राह देख रहे थे दरवाजे पे कि अब वो आएगा, 1:30 हो गया, अब तक वो नहीं आया है, 2 बजे तक वो नहीं आया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे अंदर चिंता नहीं होगी, लेकिन हम कई बार एक्सट्रीम में चले जाते हैं, कहीं मेरा बच्चा मर तो नहीं गया, कहीं मेरे बच्चे को कोई उठाकर तो नहीं ले गया, कहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, फिर हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब आपसे लोग बुरा चलते हैं आप एक्सट्रीम में चले जाते हो। कई बार आपके पास जॉब नहीं होती और आप सोचते हो कि मैं 1 साल के बाद मैं अपनी EMIs अपने बिल कैसे पे करूंगा। कई बार आपको बच्चे नहीं होते तो आप सोचते हैं मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कंसर्न रखना एक अलग बात होती है। आपका बच्चा नहीं आया, आपको थोड़ी बहुत चिंता होगी, आप कंसर्न है क्योंकि वो आपका बेबी है, आपका बच्चा है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं, हम डिप्रेस लाइफ जीते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो थोड़ी थोड़ी बातों को लेके अपने अंदर से इतना बड़ा बनाते हैं सोच सोच के कि एक दिन वो एक डिप्रेस लाइफ और चिंता उनके सबकॉन्शियस में घुस जाती है और वो सारा दिन सोच सोच के अपनी लाइफ खराब करते हैं। क्या करें हम जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है? अगर आपकी जिंदगी में कोई चीजें हैं जो आपके मन को छोड़ नहीं रही हैं, आप सोचते रहते हो, खाना नहीं खाते हो, सोते नहीं हो, आराम करने के बाद भी आपको लगता है कि मैं थका सा हूं, कई बार आप एनर्जेटिक नहीं होते हो, आपके पास ताकत नहीं होती है आगे बढ़ने के लिए, ऐसी बहुत बार हम अपने लाइफ में, आप जानते हैं स्ट्रेस की वजह से स्टमक प्रॉब्लम्स होते हैं, बैक पेन होते हैं, सर में दर्द होता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है इंसान, आप बैठे रहते हो, आपका दिमाग चलता रहता है, आप रेस्टलेस फील करते हो। स्ट्रेस बहुत बुरी चीज है, वो इंसान को सुसाइड करने के लिए प्रोवोक करती है। आज कई बार हम सोच सोच के एक्सट्रीम में चले जाते हैं, बैठे बैठे हम कहां भी चले जाते हैं और हमें लगता है कि जिंदगी नरक है। जिंदगी नरक नहीं है, हमारी सोच हमें परेशान कर रही है। जब आप ऐसी सिचुएशंस में आते हैं तब आपको क्या करना चाहिए? बाइबल बताती है दुख आएंगे, और बाइबल यह भी बताती है जब दुख आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। फिलिप्पियों 4 अध्याय में पॉल कहता है अपनी सारी चिंताएं जो हैं वो तुम्हें खुदा को देकर निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए और अंत में तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मैं आपके सामने एक कलाम पढ़ रख रहा हूं, ये फिलिप्पियों के 4 अध्याय में है और मैं चाहता हूं आप इसे बड़े ध्यान से सुने। यहां लिखा है 4 अध्याय के 4 वचन में, वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आप भी सोचते होंगे ब्रदर मैं आनंदित रहना चाहता हूं लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए आगे क्या लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो, प्रभु निकट है। उसके बाद वो कहता है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन प्रार्थना और विनती। पॉल कहता है जब चिंताएं हो तो खुदा को दे दो।
परमेश्वर को दे दो। जब भी आपको लगता है कि आपका दिल कुछ सोच सोच के हैवी हो रहा है, आपके अंदर फियर आ रहा है, आप कुछ अलग फील कर रहे हो, उसी समय अपना मुंह खोल के परमेश्वर से बात करना शुरू कर दीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, फ्यूचर की, या मेरे पास में जो कुछ मेरी नामधराई हुई है। प्रभु मैं बहुत इमेज कॉन्शियस हूँ, मुझे बहुत परेशानी होती है यह सोचकर कि मेरी गलतियाँ सबको पता चल गई हैं। प्रभु सारा बोझ खुदावन पे डाल दीजिए, और अगर दुआ करने के बाद भी आप ये देख रहे हो कि आपका दिमाग फिर से सोचना शुरू कर रहा है, वहां पर अब आपको एक लड़ने की जरूरत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, जब भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हो और आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, अच्छा होगा अपनी सारी तकलीफें लेके खुदा से, खुदा को दो, विश्वास कीजिए और उसको धन्यवाद दीजिए कि उसने आपकी प्रार्थना सुन ली है और वो उसके ऊपर अपने कार्य को करेगा। और उसके बाद शैतान अगर फिर से आपके मन में वो ख्याल डाल रहा है, उस समय दुआ नहीं करनी है, उस समय उसे उत्तर देना है। उसे कहिए, पत्रस में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। शैतान मुझसे दूर हो क्योंकि मेरे खुदा को मेरा ध्यान है। दुआ का एक समय होता है, लड़ने का भी एक समय होता है। सबोपदेशक में लिखा है, सोने और उठने, मरने और जीने, मारने और जिलाए जाने का समय है। हर बात का एक समय है। एक समय आता है जब हम परेशान होते हैं, उसी समय हमें प्रेयर करनी चाहिए, और एक समय ऐसा भी आता है जब आपको प्रेयर नहीं करनी है, आपको जवाब देना है। जब शैतान यीशु के सामने आके कहता है कि पत्थर को रोटी बना, वो चुप करके नहीं बैठा, उसने कहा, लिखा है, मनुष्य रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर कलाम से जिएगा। फिर शैतान आके कहता है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा और स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे हाथों हाथ। तब यीशु कहता है, अपने खुदावन खुदा की आजमाइश न कर। फिर शैतान कहता है, मेरे सामने झुक जा। तब यीशु कहता है, शैतान मुझसे दूर हो क्योंकि हम केवल अपने परमेश्वर की उपासना करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। हर बार जब शैतान यीशु के अंदर ख्याल दे रहा था, बात कर रहा था, यीशु ने प्रार्थना नहीं की, यीशु ने उसे जवाब दिया। याद रखिए, प्रार्थना का एक समय है, जवाब देने का भी एक समय है। जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं आज वचन पढ़ते पढ़ते मुझे एक ऐसी तलवार इसमें से निकाल के दीजिए कि जब भी शैतान का दाव मुझ पर चले, मैं उसे मार के उसे भगा दूं। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि यीशु की आंखें ज्वाला की तरह हैं, उसके बाल सफेद हैं, वो एक लंबा चोगा पहनता है, उसके पांव पीतल के हैं और उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है। यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, लेकिन एक बार उसने ये भी कहा, अब जिसके पास तलवार न हो वो उसे उठा ले। वो उस तलवार की बात नहीं कर रहा था, वो उस तलवार की बात कर रहा था जो हमारे मुंह में है, जो उसका वचन है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जहां दुआ करनी है वहां दुआ करो, जहां लड़ना है वहां लड़ो, और लड़ने के लिए तलवार चाहिए, और तलवार खुदा का कलाम है। मैं आज आपको एक कन्फेशन देना चाहता हूं, आज के बाद अगर आपको शैतान आपके मन में तरह तरह के विचार डाल रहा है, वो आपको वरीज की तरफ ले जा रहा है, चुप मत रहिए, जाइए एक कमरे में और उसे कहिए, शैतान मुझसे दूर हो क्योंकि लिखा है, परमेश्वर को मेरा ध्यान है। लर्न टू फाइट। आप नहीं मारेंगे, शैतान आपको मार देगा, वो आपको डिप्रेस कर देगा। इसीलिए कलाम कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। विश्वास कैसे दिखता है? अंगीकार में। उम्मीद करता हूं कि आज के कलाम से आपने कुछ लर्न किया होगा, कुछ सीखा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल आपको चाहिए जिसमें मैंने और भी कुछ कन्फेशंस लिखे हैं कि आपको जब शैतान परेशान करता है तो आपको क्या कहना चाहिए, कुछ मैंने 3 से 4 कन्फेशंस लिखे हैं, अगर वो आपको चाहिए तो आपको सिर्फ इस नंबर पे आपको हमें लिख कर भेजना है। इस आर्टिकल का नाम है, प्रभु मुझे संभालेगा। इस कन्फेशन का मैंने नाम रखा है।
इस आर्टिकल का, जिससे छोटा सा आर्टिकल और कुछ कन्फेशंस हैं। आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे अपना नाम, आप कहाँ से हैं, और सिर्फ इतना लिख सकते हैं, प्रभु मुझे संभालेगा, और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। आज के वचन से अगर आपने कुछ लर्न किया ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ये बेसिक टीचिंग जो है कंटिन्यू करें तो भी हमें ज़रूर बताएं। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपके बरकत पाई होगी। आप सभी को जय मसीह की।